Hey Medics, this is Apeeksha. I'm a third year BHMS student from Maharashtra and welcome back to my channel MedicNext. So today's video is about a frequently asked topic, that is salary and scope after BHMS. So let's start the video. तो BHMS that is Bachelor's in Homeopathic Medicine and Surgery एक 5.5 साल का कोर्स होता है जिसमें 4.5 साल आपको आपकी पढ़ाई करनी पड़ती है, BHMS का एडुकेशन कंप्लीट करना पड़ता है और बाकी का 1 साल आपकी इंटर्नशिप होती है। प्लेन BHMS में आप जितना ज्यादा अर्न करते हो उससे ज्यादा आप MD करने के बाद अर्न कर सकते हो। MD करने के लिए आपको AIA PGET करके एग्जाम होती है, वो देनी पड़ती है, वो क्लियर करने के बाद आप MD कर सकते हो। और MD करने के बाद आपको अगर PhD करनी है तो PhD भी कर सकते हो। PhD के लिए भी एक अलग से एंट्रेंस एग्जाम होती है, आफ्टर क्लियरिंग दैट यू कैन डू PhD एज वेल। BHMS के बाद यूजुअली लोग अपने प्राइवेट OPD खोलते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल ज्वाइन करते हैं या फिर MD करने के बाद लेक्चरशिप करते हैं। प्राइवेट OPD में आप यूजुअली 35,000 to 2 to 3 lakhs कमा सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर प्रैक्टिस एंड फ्लो ऑफ योर पेशेंट्स। और अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा अच्छी चलती है तो आप इससे भी ज्यादा कमा सकते हो। नेक्स्ट इज प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। प्लेन BHMS में आप स्टार्टिंग समझ लो कि 20,000 से आपको स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी, बट एज योर एक्सपीरियंस इंक्रीजेस आपका इंक्रीमेंट हो जाता है। और अगर आप MD करते हो तो ऑब्वियसली सैलरी आपको ज्यादा मिलती है प्लेन BHMS से कम्पेयर्ड। अगर आप MD कर लेते हो तो आप लेक्चररशिप कर सकते हो और लेक्चररशिप में आपका एनुअल इनकम यूजुअली 2 to 3 lakh से रेंज करेगा। और अगर आप एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाते हो तो आपकी सैलरी 50,000 to 90,000 पर मंथ से भी रेंज कर सकती है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट आफ्टर BHMS। तो BHMS के बाद आप सबसे पहले तो MD कर सकते हो, तो इन सारे सब्जेक्ट्स में आप MD कर सकते हो, दैट इज MD इन ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथिक फिलोसॉफी, MD इन होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका, MD इन रेपर्टरी, MD इन होम्योपैथिक फार्मेसी, MD इन प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, MD इन पेडियाट्रिक्स एंड MD इन साइकेट्री। MD करने के बाद यू कैन वर्क एज अ कंसल्टेंट, डॉक्टर, फार्मासिस्ट, पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट, रिसर्चर और लेक्चरर। और MD करने के बाद आपकी सैलरी ऑब्वियसली प्लेन BHMS से ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। अभी नेक्स्ट, जिन लोगों को हॉस्पिटल वगैरह के अलावा कुछ दूसरी चीज करनी है तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, दैट इज यू कैन डू MSc। सो हियर आई विल बी टेलिंग यू सम इम्पोर्टेंट कोर्सेज फॉर MSc। फर्स्ट इज MSc इन अप्लाइड फिजियोलॉजी, इट्स सैलरी इज 3 lakh to 10 lakh पर ईयर। नेक्स्ट इज MSc इन क्लिनिकल रिसर्च, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन एंड ड्रग्स, इट्स सैलरी रेंजेस बिटवीन 3 lakhs to 9 lakhs पर ईयर। नेक्स्ट इज MSc इन मेडिकल बायोकेमिस्ट्री, इट नीड्स एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, इट्स सैलरी रेंजेस बिटवीन 4 lakh to 6 lakh पर ईयर। नेक्स्ट इज MSc इन ह्यूमन जेनेटिक्स, सैलरी 6 lakh to 10 lakh पर ईयर। MSc जेनेटिक्स 6 lakh to 12 lakh पर ईयर, ऑल्सो इट हैज वेरी गुड स्कोप इन फॉरेन। सिक्स्थ इज MSc एपिडेमियोलॉजी, सैलरी इज 2 to 9 lakhs पर ईयर। नेक्स्ट ऑप्शन इज यू कैन डू PG डिप्लोमा कोर्सेज, सो दीज आर सम ऑफ द कोर्सेज दैट यू कैन डू। सो 1 से 2 साल के ये सारे कोर्सेज होते हैं एंड दीज कोर्सेज हेल्प इन इंक्रीजिंग योर सैलरी एज वेल एज योर नॉलेज। नेक्स्ट, इसके बाद आप MBA भी कर सकते हो, दैट इज MBA इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट, MBA इन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट, MBA इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट, MBA इन मास्टर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। फिर ये सब के बाद बाकी कोर्सेज भी आते हैं, दैट इज डिप्लोमा इन कार्डियो, इमरजेंसी मैनेजमेंट, डाइट मैनेजमेंट, ICU मैनेजमेंट, कॉस्मेटोलॉजी, फूड एंड न्यूट्रिशन एक्सेट्रा। नाउ लास्टली अबाउट योर फेवरेट कोर्स, दैट इज अबाउट फार्माकोलॉजी। सो फार्माकोलॉजी के कोर्स करने के बाद आप एलोपैथी प्रैक्टिस कर सकते हो, बट एज पर माई नॉलेज ये कोर्स सिर्फ महाराष्ट्र में लीगली अलाउड है। अगर बाकी किसी स्टेट में होगा तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। तो ये थे कुछ जाने माने कोर्सेज जो आप BHMS या फिर BHMS MD के बाद कर सकते हो। और ये वीडियो मैंने जनरल टर्म्स पे बनाए, जो सैलरी के फिगर्स मैंने दिए वीडियो में, तो ये वेरी भी कर सकते हैं। एक स्टेट में अलग हो सकता है तो दूसरे स्टेट में वो इंक्रीज भी हो सकता है या फिर डिक्रीज भी हो सकता है। सो दिस वॉज अबाउट टूडेज वीडियो, आई होप यू फाउंड द वीडियो इन्फॉर्मेटिव। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और अगर मैंने कुछ मिस कर दिया हो तो डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। आधी सैलरी।